मिडिल ईस्ट में भारत का असर और संपर्क बढ़ाने का वक्त आ गया है। पीएम मोदी अमेरिका के बाद आज शाम एक देश मिस्र की यात्रा पर काहिरा पहुंच रहे। तेल गैस से लेकर स्वेज नहर तक में भारत के हित है और मिस्र इन क्षेत्रों का अहम किरदार है। मिस्र के जरिए मिडिल ईस्ट में भारत अपनी मौजूदगी को बढ़ाएगा। नमस्ते, अमेरिका में अपने बेहद कामयाब दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगली मंजिल है मिडिल ईस्ट का एक देश मिस्र। पीएम वॉशिंगटन से काहिरा के लिए रवाना हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा आबादी वाले इस देश की मोदी की यात्रा कई लिहाज से अहम है। काहिरा में भी मोदी का बेसब्री से इंतजार है। पीएम मोदी काहिरा में इस सबसे बड़ी अल हाकिम मस्जिद भी जाएंगे, जिसको बोहरा समुदाय ने तबाही के बाद दोबारा खड़ा किया। मस्जिद के इमाम मोदी के दौरे से खुश हैं। पीएम हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल भी जाएंगे। जिस तरह हर मुल्क में भारतवंशियों को पीएम के दौरे का बेसब्री से इंतजार रहता है, उसी तरह मिस्र में भी भारतवंशी पीएम के स्वागत के लिए बेकरार हैं। ये न्यूज पहले से ही लीक हो गई थी कि वो आ रहे हैं। लोगों ने पूछना, मैसेज करना शुरू कर दिया था। हमें ऑफिशियल न्यूज जब मिली तो हमने इनवाइट्स भेजे हैं। इतने ज्यादा खुश हैं, शॉपिंग जबरदस्त हो रही है। बहुत सोच रहे हैं क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, वो कैसे दिखते होंगे। सभी लोग बहुत एक्साइटेड। पीएम आज शाम 6:15 बजे काहिरा पहुंचेंगे। रात 8:40 पर मिस्र के पीएम से मिलेंगे। इसके एक घंटे बाद भारतीय समुदाय से बात करेंगे। कल पीएम 1 बजे अल हाकिम मस्जिद का दौरा करेंगे और 2 बजे हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक जाएंगे। कल 2:30 बजे मिस्र के राष्ट्रपति से मिलेंगे और 5:30 बजे साझा बयान जारी होगा।